हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द स्लाइड विच इज़ ओपन ऑन योर मोबाइल स्क्रीन विच इज़ रिलेटेड टू चैप्टर सेकंड्स दैट नेम्स इज मार्को पोलो। इंग्लिश लिटरेचर फॉर क्लास सेवन्थ के लिए चैप्टर सेकंड्स का पूरा एक्सप्लेनेशंस, हिंदी एक्सप्लेनेशंस मैंने बता दिया था आप लोगों को। अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप अपने क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नॉट ओनली फॉर क्लास सेवन्थ, दैट इज़ ऑल्सो फॉर द क्लास फिफ्थ, सेवन्थ, सिक्स, एट्थ एंड फोर्थ ऑल्सो। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर्स, ओनली मीनिंग्स। द फर्स्ट मीनिंग इज ट्रेड, टी आर ए डी ई, ट्रेड। ट्रेड दैट मीन्स व्यापार। नेक्स्ट एच यू एन जी ई आर, हंगर। हंगर का मीन्स होता है बेटा भूख। आपने हंगरी सुना होगा कि आई एम हंगरी, ही इज़ हंगरी, तो मतलब वह भूखा है। तो जो हंगर वर्ड आया है वो कहाँ, हंगरी वर्ड आया है जो, वो हंगर से आया, दैट मीन्स होता है भूख। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्पेसीज, एस पी ई सी आई ई एस, स्पेसीज। स्पेसीज मीन्स होता है प्रजातियाँ, जो प्रजातियाँ यानी कि जैसे एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स में भी कई सारी प्रजातियाँ होती हैं, ठीक है। जंगली जानवरों की प्रजातियाँ, पालतू जानवरों की प्रजातियाँ, ये जो स्पेसीज होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रजातियाँ। इन्वेडर्स, इन्वेडर्स का मीन्स होता है आक्रमणकारी। कोई किसी एक देश, जो एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो उसके जो कुछ लोग आक्रमण करते हैं उनको बोलते हैं आक्रमणकारी, इन्वेडर्स बोलते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट, वी एस टी, वेस्ट। वेस्ट का मीन्स होता है वृहद या बहुत बड़ा, ठीक है, वृहद या बहुत बड़ा। इसमें जो था आपका चैप्टर में, जो चैप्टर से रिलेटेड है कि जो आपके चंगोज होते हैं, दे हैव अ वास्ट एम्पायर, तो मतलब उनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था। और स्पेसीज जो पहले मीनिंग कराई है, स्पेसीज, स्पेसीज का मीन्स प्रजाति होता है। और अगर इसको बात करें जो आप स्पाइसेस बोलते हो, स्पाइसेस का वो होता है मतलब जो मसाले वगैरह होते हैं। रिफ्यूज्ड, नेक्स्ट मीनिंग हमारी, रिफ्यूज्ड का मीन्स होता है मना करना, ठीक है, आर ई एफ यू एस ई डी, रिफ्यूज्ड। और एक बात समझ लीजिए कि आप लोग, सब लोग इसको नोट करते रहिए। हाँ, शायद कुछ बच्चों ने ये भी बताया कि सर मेरे क्लास में हो गया है, तो हो गया है तो अच्छी बात है, आप वीडियो को देखें पूरा, समझ लें, मीनिंग्स को लर्न कर लें, या फिर जो नहीं लिखाई गई उनको ज़रूर से ज़रूर लिख लें। ओके, नेक्स्ट मीनिंग इज़ दैट एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस का मीन्स होता है अनुभवी। एक्सपीरियंस जो होता है वो होता है अनुभव, एक्सपीरियंस्ड मीन्स अनुभवी। जैसे ही इज़ अ एक्सपीरियंस पर्सन, वो एक अनुभवी व्यक्ति है। नोबलमैन, नोबलमैन का मीन्स होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। नोबल की दो स्पेलिंग्स होती हैं, एक होता है एन ओ बी एल ई, नोबल, वो होता है हमारा सज्जन यानी कि साधारण व्यक्ति जो होता है। देन ये हमारा नोबलमैन, नोबलमैन का मीन्स होता है श्रेष्ठ व्यक्ति। नोबलमैन ये कहाँ से बना, क्योंकि जो नोबल प्राइज़ दिया जाता है इंसानों को, सॉरी इंसानों को ही दिया जाता है, नोबल प्राइज़ जिन व्यक्तियों को मिलता है वो ऐसे ही व्यक्तियों को मिलता है जो अपने अपने क्षेत्र के श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं। तो ये नोबलमैन जो आता है वो श्रेष्ठ व्यक्ति में आता है। हार्डशिप, नेक्स्ट मीनिंग है हमारी हार्डशिप। हार्डशिप का मीन्स होता है कठिनाई या एट द टाइम ऑफ कैलमिटी, विपत्ति। वेरीफाइड, वेरीफाइड का मीन्स होता है सत्यापित, किसी चीज़ की सत्यता की जांच करना और उसको सही साबित करना कि हाँ ये कठिन सही थी या गलत थी, तो वो होता है वेरीफाइड, ठीक है, ये जांच कर लेना कि वो चीज़ सही है या गलत है। नेक्स्ट है रैग्ड, रैग्ड का मीन्स होता है फटे हुए। ये गलती से बेटा मैंने लिख दिया, फटे हुए लिख दिया, तो आप इसको फटे हुए कर लेंगे, या फिर इसको चिथड़ा लपेटे हुए बोलते हैं। कहते नहीं, आप जब गांव देहात में जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि फटे कपड़े हैं, एकदम चिथड़ा उड़ गए हैं उसके, तो वही रैग्ड मीन्स होता है। रैग्ड का मीन्स फटे हुए या चिथड़ा लपेटे हुए। प्रिजन, नेक्स्ट मीनिंग हमारी प्रिजन। प्रिजन का मीन्स होता है कारागृह, कारागृह यानी कि जो इसको आप जेल बोलते हैं। नेक्स्ट है सर्टेन, सर्टेन का मीन्स होता है निश्चित, सर्टेन का मीन्स होता है बेटा निश्चित। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट मीनिंग है हमारी एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेड का मीन्स होता है अस्तित्व में रहना, मतलब कि हाँ आप इस संसार में हैं, एग्जिस्टेड, एग्जिस्टेंट मीन्स क्या होता है, अस्तित्व में रहना। और एक होता है एग्जिट, ई एक्स आई टी, एग्जिट, वो एग्जिट होता है, ये एग्जिस्टेड है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन कभी आप मीन्स में कन्फ्यूज मत होइए। इसीलिए कोई भी सिमिलर मीनिंग आती है तो मैं उसको ज़रूर से ज़रूर बता देता हूँ, ताकि जब भी आप पढ़ें तो आपके मन में कोई भी दुविधा ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे। ओके, तो ये एग्जिस्टेड होता है अस्तित्व में रहना, और वो जो एग्जिट होता है उसका मतलब होता है बाहर,
आप भी जब भी मूवी थिएटर से बड़े बड़े हॉल्स में जाते हो वहाँ लिखा होता है एग्जिट एंड एंटर, एंटर का मीन्स प्रवेश करें, एग्जिट का मीन्स यहाँ से बाहर जाएं। तो ये हमारी मीनिंग्स कंप्लीट हो गई हैं लेसन 7 की। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेटा आपके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के साथ में। ओके, अच्छे से पढ़ते रहिए सभी लोग, और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो बताएं, ज़रूर से ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।